हेलो फ्रेंड्स, मैं निधि पटेल ड्रीम क्लास के चैनल पे आपका स्वागत करती हूँ। चलिए दोस्तों, आज हम प्राइमरी की के बारे में जानेंगे। वैसे मैंने पिछली वीडियो में भी आपको प्राइमरी की का कंसेप्ट समझाया था, तो वही हम आज फिर से सीखेंगे। उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके मैं सिखाऊंगी कि प्राइमरी की कैसे यूज होता है। वही तो दोस्तों, हम प्राइमरी की मतलब ये जो हमारे वो जो डुप्लीकेट डेटा एंटर नहीं करने देता है, तो उसका यूज क्या है कि हम डुप्लीकेट डेटा भी तो डाल सकते हैं ना, तो क्यों हमने ये प्राइमरी की हमने ली। तो हाँ, अगर हमारा जो टेबल है, हमने जो टेबल बनाया है, तो उसमें अगर हमें कुछ मॉडिफाई मतलब कि अगर हमें डिलीट करना है या अपडेट करना है, कोई भी डेटा अगर हमें चेंज करना है, तो उसके लिए हमें यूनिक की ज़रूरत पड़ेगी। क्योंकि अगर हमारी टेबल है तो उसमें अगर नेम है, तो अगर सेम नाम का अगर स्टूडेंट होगा, तो अगर हमें अगर डिलीट या अपडेट करना होगा, तो वो कैसे करेगा डिलीट? अगर दो नाम के स्टूडेंट है तो वो दोनों रिकॉर्ड्स डिलीट कर देगा। तो इसीलिए हमें यूनिक डिफाइन करने के लिए प्राइमरी की SQL में आया। तो अब हम देखेंगे, मैं आपको नया क्रिएट टेबल करके सिखाऊंगी कि प्राइमरी की कैसे ऐड करते हैं। तो दोस्त यहाँ से ओपन ऑफिस खोलेंगे, फिर डेटाबेस, हमारा जो न्यू डेटाबेस, हमें न्यू डेटाबेस क्रिएट करना है, इसलिए क्रिएट न्यू डेटाबेस, फिर नेक्स्ट, यहाँ पे यस रजिस्टर द डेटाबेस फॉर मी। अब यहाँ पे फिनिश करेंगे हम, यहाँ पे हमारा जो लोकेशन डी में स्टूडेंट है ऑलरेडी, तो यहाँ पे ही हम अपना दूसरा डेटाबेस बनाएंगे। हम इसको यहाँ से सेव कर देंगे। अब हमें दूसरा नया टेबल बनाना है, तो फर्स्ट हम टूल्स में जाएंगे, फिर SQL में। अब यहाँ पे हम दूसरा टेबल क्रिएट करेंगे, क्रिएट टेबल। अब हमारा जो टेबल, हम कस्टमर का टेबल बनाने वाले हैं, इसलिए हम कस्टमर। अब यहाँ पे हम प्राइमरी की, तो हम जानते हैं कि वो एक कंस्टेंट है, तो उसको हम यहाँ पे पहले फर्स्ट हम लेंगे ID, कस्टमर की जो ID है वो, फिर उसकी डेटा टाइप आएगी इंटीजर, फिर हम लेंगे कस्टमर का नेम, उसकी डेटा टाइप आएगी वैकर, हम इसको लेंथ दे देंगे, फिर हम लेंगे, हमने यहाँ पे वैरकर क्यों लिया है कि वो हमारी अल्फा न्यूमेरिक वैल्यू स्टोर करता है, कि हमारा जो अगर अल्फा कैरेक्टर है और वो प्लस हम नंबर भी ले सकते हैं, जैसे कि वो मैंने अब पिछली वीडियो में दिखाया था। अब हम लेंगे सिटी, वो सिटी भी एक स्ट्रिंग है, मतलब वैरकर है, तो हम यहाँ पे वैरकर ही लेंगे। यहाँ पे हम साइज दे देंगे कि हमें कितनी साइज देने हैं वो हम दे सकते हैं। अब यहाँ पे हमारा टेबल, यहाँ पे सेमीकोलन, देखिए दोस्तों, हमने क्रिएट टेबल की ये जो क्वेरी लिख दी है। अब यहाँ पे हम प्राइमरी की ऐड करेंगे, प्राइमरी की हम किसे देंगे इसमें से? नेम को तो नहीं दे सकते हैं, क्योंकि मैंने समझाया था कि नेम, एक नेम के कस्टमर कई सारे हो सकते हैं, फिर सिटी का भी, सिटी में भी कई सारे कस्टमर, एक ही जैसे मतलब एक सिटी में कई सारे कस्टमर हो सकते हैं, तो सिटी को भी हम नहीं दे सकते। तो यहाँ पे है जो कस्ट आईडी है, तो वो क्या है, यूनिक डिफाइन कर सकता है कि एक कस्टमर को हम अलग अलग आईडी दे, एक ही यूनिक आईडी दे सकते हैं, इसलिए हम यहाँ पे आईडी कस्ट आईडी में देंगे। तो यहाँ से हम यह जो कॉमा है उसको हटा देंगे, फिर स्पेस देके हम यहाँ पे प्राइमरी की लिखेंगे,
यहाँ पे फिर हम कॉमा करेंगे। अब इस टेबल को हम एग्जीक्यूट करेंगे। देखिए हमारा क्रिएट टेबल हो गया है, हमारी कमांड सक्सेसफुली एग्जीक्यूटेड। अब हम हमारा जो टेबल है वो देखेंगे, यहाँ से हम क्लोज करेंगे, फिर से हम रिफ्रेश करेंगे क्योंकि यहाँ पे हमारा टेबल दिख नहीं रहा है। यहाँ व्यू पे जाएंगे, फिर रिफ्रेश टेबल करेंगे। यहाँ पे हमारा जो कस्टमर है टेबल हो गया है। अब हम इसको डबल क्लिक करके डिस्प्ले करवाएंगे, हमारा टेबल क्रिएट हो चुका है। और यहाँ पे देखिए हमारी जो प्राइमरी की है वो भी ऐड हो चुकी है। अब हम इस टेबल में रिकॉर्ड्स इंसर्ट करेंगे। टूल्स में जाएंगे, फिर एसक्यूएल, यहाँ पे इंसर्ट इनटू कस्टमर वैल्यूज। हमारी जो कस्टमर का टेबल है उसमें तीन ही फील्ड है, इसलिए हम यहाँ पे तीन ही वैल्यू डालेंगे, उससे ज्यादा नहीं डाल सकते हैं वरना एरर आएगी। तो फर्स्ट था हमारा कस्ट आईडी, तो हम वन लेंगे। फिर है कस्ट का नेम है, हम नेम लेंगे सिंगल कोड में क्योंकि वर्कर है। फिर है उसकी सिटी, तो सिटी हम लेंगे सूरत। अब यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज करके सेमी कॉलन। अब हम एग्जीक्यूट करेंगे। देखिए दोस्तों कमांड सक्सेसफुल एग्जीक्यूटेड हमारी। अब हम दूसरा रिकॉर्ड भी इंसर्ट कर देते हैं यहाँ से ही। हम यहाँ पे टू आईडी लेते हैं, अब हम लिखेंगे नेम उसका, फिर सिटी हम डालेंगे, फिर से हम एग्जीक्यूट करेंगे। देखिए हमारे दूसरा रिकॉर्ड भी इंसर्ट हो चुका है। अब हम तीसरा रिकॉर्ड भी डालेंगे। हमने एक आईडी और दूसरे नंबर की आईडी भी ले ली है, तो अब हम दूसरे नंबर की यानी कि फर्स्ट नंबर की भी आईडी ले सकते हैं। हम दूसरे नंबर की आईडी फिर से डालेंगे। इसको एग्जीक्यूट करते हैं। देखिए तो यहाँ पे वायलेशन ऑफ यूनिक कंसर्न, क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे आईडी पे प्राइमरी की के लिए तो वो हमें डुप्लीकेट डेटा एंटर नहीं करने देगा, इसलिए ये वायलेशन ऑफ यूनिक कंसर्न की एरर आई है। तो प्राइमरी की हमें डुप्लीकेट डेटा एंटर नहीं करने देता है, इसलिए हम इसको यूज करते हैं। हमारी जो एरर है सिर्फ कस्ट आईडी पे है, हमने यहाँ पे सिटी भी तो डुप्लीकेट डाली है, तो क्यों उसकी क्यों एरर नहीं आई? तो हमने सिर्फ प्राइमरी की कस्ट आईडी पे ही लगाई है, तो सिटी हम डुप्लीकेट डाल सकते हैं, तो इससे यहाँ पे एरर नहीं आई है। अब हम तीसरा रिकॉर्ड भी इंसर्ट करके कर देते हैं। यहाँ पे थ्री लिखेंगे, इसको एग्जीक्यूट करेंगे हम। हमारा कमांड सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया। दोस्तों आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आता होगा कि हमने सिटी को डुप्लीकेट मतलब सिटी को क्यों डुप्लीकेट डेटा हमने डाले, हम उसको भी प्राइमरी की दे सकते हैं। तो दोस्तों एक टेबल में सिर्फ एक ही प्राइमरी की होती है जो हमने कस्ट आईडी को दे दी है, तो अगर हमें अगर सिटी को ही प्राइमरी की देना है तो सिटी को भी दे सकते हैं, पर कस्ट आईडी जो है वो यूनिक डिफाइन करता है, इसलिए हमें कस्ट आईडी को ही प्राइमरी की लिया है। अब यहाँ से हम क्लोज कर देंगे। अब हमारे जो टेबल्स के रिकॉर्ड्स हैं वो हम डिस्प्ले करवाएंगे। जैसे कि दोस्तों आपको पता है कि मैंने सिखाया है पिछली वीडियो में कि हम डबल क्लिक करके भी टेबल्स के रिकॉर्ड्स देख सकते हैं। अब मैं आपको वो सिलेक्ट क्वेरी से सिखाऊंगी कि कैसे क्वेरीज में जाएंगे। यहाँ पे हम क्रिएट क्वेरी इन एसक्यूएल व्यू, यहाँ पे हम सिलेक्ट क्वेरी फायर करेंगे।
हमारा जो टेबल है वो सिलेक्ट, हमें हमारा जो कस्टमर का टेबल है हमें सारे रिकॉर्ड डिस्प्ले करवाना है, इसलिए हम यहाँ पे स्टार करेंगे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम हमारा जो टेबल है जो कस्टमर है, अब सेमी कॉलन। अब यहां से हम एसक्यूएल को ऑन करेंगे, फिर हम रन करेंगे। देखिए हमारे जो कस्टमर का टेबल है वो सारे रिकॉर्ड्स डिस्प्ले हो गए हैं। इसी तरह से हम दूसरी कोई मतलब एनी नंबर ऑफ एक ही कॉलम में आनी है तो वो भी हम डिस्प्ले यहाँ से करवा सकते हैं। तो जो मैंने आपको मेरी पिछली वीडियो में भी सिखाया है कि कैसे हम डिस्प्ले करवा सकते हैं। अब हम तो दोस्तों आज के मेरे इस वीडियो में हमने प्राइमरी की को कैसे यूज़ करते हैं, कहाँ यूज़ और क्यों करते हैं वो हमने अब सीखा। अब एसक्यूएल की अगर दूसरे मतलब एसक्यूएल की अगर आपको और नॉलेज के लिए आप मेरी आप मेरी वीडियोस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू।